बीते दिनों लंसोह रोड पर रात के समय एक कार लैंडस्लाइड के कारण 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। काफी देर तक चालक का कोई अता पता नहीं था। मंडी पुलिस के कुछ बहादुर जवानों ने रात के समय कड़ी मशक्कत करने के बाद गाड़ी चला रहे शख्स को 150 मीटर गहरी खाई से निकाला। इस रेस्क्यू के बारे में ज्यादा जानकारी दी सब इंस्पेक्टर हेमराज ने, जो इस बचाव अभियान की कमान संभाले हुए थे। 14/12 को थाना में 11:45 सूचना मिली कि नसलो रोड में एक गाड़ी सड़क से नीचे चली गई है, जिस पर मैं अपनी टीम को लेके, जिसमें 2 HSC रसाल सिंह व दमेश्वर सिंह, 2 होमगार्ड के जवान खेमचंद व मस्तराम को लेकर मौका पर गया। उस दिन काफ़ी बारिश लगी हुई थी रात को और वहाँ मौके का पता ना लगे, तो जिस आदमी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने उसको टेलीफोनिकली पूछा कि आप स्पॉट पे आ जाएं, हमें बताएं कि ये हादसा कहाँ जैसे हुआ है। जिस पर वो आदमी मौका पर वहाँ सड़क में आया, जिसने हमें बताया कि एक गाड़ी बीट जो जिसे अनु चला रहा था वो नीचे चले गई है। उस गाड़ी में एक व्यक्ति जिसका नाम परमदेव है, वह सड़क के साथ ही गाड़ी की खिड़की खुलने से गिर गया और वो वहाँ से चलकर सड़क में आ गया था, जिसने किसी लोकल वहाँ स्थानीय निवासी को इसके बारे में सूचना दी। तो बारिश में वहाँ नीचे उतरने के लिए कोई जगह नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था, झाड़ियों के बीच में से वो गाड़ी गिरी हुई थी, तो बड़ी मुश्किल से अपने सेल लाइट से और एक सर्च लाइट हमारे पास थी, वो भी बारिश में वहाँ काम करना बंद कर दिया उसने, तो मैं वहाँ स्पॉट पे नीचे उतरा। मैं जब नीचे उतरा तो मुझे 100 मीटर की दूरी पर लाभ सिंह मिला, तो मेरे साथ साथ एक पीछे से स्थानीय व्यक्ति था वह भी उतरा और हम दोनों ने उसको, जो लाभ सिंह था उसको सिर में चोटें लगी थी, पूरी तरह से सिर फटा हुआ था, और बड़ी मुश्किल से उठा के उसको सड़क तक पहुँचाया और अपनी जो पुलिस की गाड़ी थी उसमें बिठाया। उसके बाद उसी ने, लाभ सिंह ने बताया कि जो अनु है वो काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, मुझे मालूम नहीं है कहाँ गिरा हुआ है। तो मैं फिर उस स्थानीय व्यक्ति को कुछ कंबल वगैरह लेने के लिए घर भेजा, क्योंकि उसका घर भी काफ़ी दूर था वहाँ से। फिर मैं फिर दोबारा से नीचे उतरा, वहाँ उतरने के लिए जगह नहीं थी, पूरी स्केटिंग करके जो है झाड़ियों को पकड़ पकड़ के नीचे उतरना पड़ा। तो अपने मोबाइल की लाइट से पूरी झाड़ियों को छान मारा, तो झाड़ियों के बीच में कहीं, मतलब जहाँ लाभ सिंह मिला था उससे लगभग कोई 50 मीटर की दूरी पर नीचे जो ड्राइवर, इसका गाड़ी का ड्राइवर था, वो बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। तो मैंने वहाँ से फिर आवाज़ लगाई, इन बाकी मुलाजिम जो थे ये सड़क में ही थे, डर के मारे नीचे उतरने की बड़ी समस्या थी, तो मैंने इनको आवाज़ लगाई और टेलीफोनिकली इनसे कॉन्टेक्ट किया कि आप लोग किसी भी तरह से नीचे उतरो और ऐसा सा अब ये जीवित है। तो हम ये लोग सारे चारों जो मेरे साथ थे ये नीचे उतरे, तो मैं जब नीचे उसको ट्रेस किया तो फिर ये जो मेरे जवान हैं ये भी नीचे उतरे। इनमें से 2 जवान वैसे ही कुछ फिजिकली उतना फिट नहीं थे, तो नीचे उतरे, तो जब वहाँ से उसको उठाने की मुश्किल हो गई, तो एक हमारा होमगार्ड का जवान था, उसने कंबल लपेटा हुआ था, उस कंबल को हमने निकाला और उस कंबल में उसको बांधा, और कंबल में बांध के उस अनु को, जो इस गाड़ी का चालक था, उसको बड़ी मुश्किल से रात को लगभग 150 मीटर नीचे से, 150-200 मीटर नीचे से उठाकर सड़क में पहुँचाया, और इन दोनों को और एक जो व्यक्ति ऊपर ही सड़क के साथ गिरा था उसको लेके, तीनों को इनको लेके जड़ित मंडी में एडमिट करवाया।